हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेटिस्ट सानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने स्पेक्टिकल के लेंसेस को कैसे क्लीन करना है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं या फिर सन ग्लासेस यूज़ करते हैं। तो उनके लिए मैं इस वीडियो में दो टिप एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर वो फॉलो करते हैं लेंस को क्लीन करते समय, तो उनके लेंसेस की लाइफ बढ़ जाएगी और उतनी जल्दी उनके लेंसेस पर स्क्रैच नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपनी ग्लासेस को एक ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको दोनों टिप्स समझ में आ सकें। साथ ही अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके, वो भी सबसे पहले। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो में कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वो टिप्स बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको अपनी ग्लासेस के साथ में क्या नहीं करना है, बिकॉज हमारी कुछ जो हैबिट होती हैं वो हमारी लेंस की लाइफ को घटाने में मदद करती हैं। उसमें से हैबिट नंबर 1 है कि हम अपनी ग्लासेस को कहीं भी रख देते हैं। जी हाँ, आपको अपनी ग्लासेस को कहीं भी नहीं रखना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने विदाउट उसके केस के कहीं पर भी ग्लास रख दिया तो वो स्क्रैच कर सकता है। उसके आप ऊपर भी कोई चीज़ रख सकते हो या फिर उसके आसपास की चीज़ से वो स्क्रैच कर सकता है। ऐसे में आप जब भी ग्लासेस को यूज़ करें, अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो उसको अच्छे से कवर अप करके ही रखें। उसको ऐसे ही आप कहीं भी बाहर पड़ा मत रहने दीजिए। सेकेंड थिंग, कुछ लोगों की आदत होती है, स्पेशली सनग्लासेस यूज़र की हैबिट होती है कि वो जब ड्राइविंग करते हैं या फिर अपनी कार में, ऐसे ही वो सनग्लासेस को विदाउट कवर के रख देते हैं। तो उसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी से पड़ी हुई होती हैं, तो उससे उनके सनग्लासेस के जो लेंस होते हैं वो स्क्रैच कर जाते हैं, उनका सनग्लासेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको ये हैबिट चेंज करनी है। आपको सिर्फ इतना सा फॉलो करना है कि आप जब भी अपनी सनग्लासेस को या फिर अपनी ग्लासेस को आपको जब भी यूज नहीं करना है तो आप उनको अच्छे से कवर अप करके ही रखें। नेक्स्ट थिंग, आपको अपनी जो स्पेक्टिकल के लेंसेस हैं वो अपने हैंकी से या फिर किसी भी अदर क्लॉथ से क्लीन नहीं करना है। हालांकि ये बहुत से लोगों की हैबिट हो सकती है। आपको जब भी अपनी ग्लासेस क्लीन करने हैं तो उसके साथ में आपको एक क्लॉथ मिला होगा, उससे ही आप यूज़ कीजिए। उसका रीज़न ये है कि वो जो सेल्विट होता है, वो जो क्लॉथ होता है, वो माइक्रोफाइबर से बना हुआ होता है जो आपकी लेंसेस पर स्क्रैच नहीं करता। बट अदर कोई क्लॉथ यूज़ करते हैं तो वो स्क्रैचेस कर सकता है। तो ऐसे में आप किसी भी क्लॉथ से यूज़ ना करो लेंस क्लीन करने के लिए। आपको उसके साथ में जो सेल्विट मिला है, जो क्लॉथ मिला है, वही यूज़ करना है। अब हम जान लेते हैं कि वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लेंस की लाइफ को बढ़ा सकती हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ, फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक में आपको थोड़ी बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ परचेज करना है तो उसमें आपका थोड़ा बहुत अमाउंट आपको पे करना रहेगा। बट सेकंड जो टिप है वो बिल्कुल फ्री रहेगी, आपको उसमें कुछ भी पे किसी को नहीं करना है। आप इजीली घर पे ही वो ट्रिप्स यूज़ करके अपनी ग्लासेस को क्लीन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिप की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट टिप होने वाली है वो होने वाली है कि लेंस को क्लीन करने के लिए लेंस क्लीनर आता है, तो आपको वो लेंस क्लीनर का यूज़ करना है। वो आपको अंडर 100 भी मिल जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ का परचेज करना है। हालांकि कुछ ब्रांडेड जो लेंसेस होते हैं, ब्रांडेड जो आप स्पेक्स बनवाते हो, उनके साथ में लेंस क्लीनर फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। बट अगर किसी में नहीं आता है तो आपको परचेज करना रहेगा। आप वो परचेज कीजिए, बिकॉज अगर आप उससे क्लीन करते हो तो आपके लेंस की लाइफ बढ़ जाती है और उतनी जल्दी आपके लेंस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। लेकिन आपको लेंस को क्लीन करते समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है। वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेंस को क्लीन कर रहे हो तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो स्प्रे बॉटल में आएगा।
आपको स्प्रे करने के बाद में अपनी लेंस को वन साइड क्लीन करना है, मींस अगर आप राउंड में क्लीन करना चाहते हैं तो आपको पूरा क्लॉकवाइज एक राउंड लगाना है क्लीन करने के साथ में, और सेकंड भी आप एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा उसको 1-2-3 स्वाइप नहीं करना है, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा उसको घिसोगे तो उस पर जो लेंसेस का जो कट रहता है या फिर जो धूल का जो पार्टिकल रहते हैं वो उसमें स्क्रैच कर सकते हैं, तो आपको वन साइड क्लीन करना है। अब आप डिपेंड कर लीजिए कि आपको कैसे क्लीन करना है, आप चाहें तो वन राउंड लगा सकते हो या फिर वन साइड से भी आप क्लीन कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा उसे रगड़ना नहीं है, ये आपके लेंस को ख़राब कर सकता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो सेकंड हमारी टिप होने वाली है। सेकंड जो हमारी टिप है वो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको आपका जो प्योरीफाई वाटर है, आपको नॉर्मल वाटर नहीं लेना, आपको प्योरीफाई वाटर लेना है, उससे आप अपने लेंस को क्लीन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्योरीफाई वाटर लीजिए, लेंस के ऊपर डालिए, उसके बाद में आपको जो माइक्रोफाइबर का क्लॉथ मिला हुआ है उससे वन साइड क्लीन कीजिए, तो भी आपके लेंस पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा और आपकी लेंसेस की लाइफ बढ़ जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो क्लॉथ यूज़ करना है वो वही यूज़ करना है जो आपको अपनी ग्लासेस के साथ में मिला है। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको वन साइड क्लीन करना है, आपको लेंस को बार बार रगड़ना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, आपके लेंस को ख़राब कर सकता है। ऐसे अगर आप यूज़ करते हो जैसा मैंने इस वीडियो में बताया तो श्योरली आपके लेंसेज बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगे, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा रफ यूज़ करते हो तो चांसेस हैं आपके लेंसेज विद इन 6 मंथ भी ख़राब हो सकते हैं। ओके, अगर किसी के लेंसेज बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको ख़राब ब्रांड के लेंसेज मिले हैं, बट ऐसा नहीं होता। हमने कैसे अपनी ग्लासेस को यूज़ किया है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपने लेंसेस की क्वालिटी ली है, उतना ही आपको लेंसेस को मेंटेन भी करना रहेगा। हम ही लेंसेस को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारे ग्लासेस के जो लेंसेस हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो उस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपके जो लेंसेस हैं वो जल्दी ख़राब ना हों, अपने स्पेक्स को एटलीस्ट 1 ईयर तक आराम से यूज़ कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव मिल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच, बाय।